पकड़ना चाहिए उसको और क्या। तो वो तो गवर्नमेंट को करना पड़ेगा ना यार। नहीं अभी वो तो देखो गवर्नमेंट के ऊपर है ना, उसको पकड़ना चाहिए ना उसको। अगर गवर्नमेंट अपने पे आवे तो सब कुछ कर सकती है, नहीं आए तो नहीं कर सकती है। तो लेकिन इधर है नहीं ना इंडिया में, वो तो उधर ही है ना। डिपोर्ट करो उधर, तो ट्रायल होने से कुछ फायदा है नहीं। इधर डिपोर्ट करो उसको, इधर करके इधर पे अगर ट्रायल होता है तो अच्छा है। वो तो करेगा ही ना इनका, तो हमारे जो एजेंसी ने किया है अगर वो काबिल है तो इसका मतलब सबूत है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो किया ही है उसने। ये तो आके जस्टिफाई करे, अगर ये यहाँ पे नहीं होता तो इंटरनेशनल कोर्ट में करे जाके, ये सब है। लेकिन एक्शन तो होना चाहिए, अगर है तो एक्शन होना चाहिए उसको। आगे क्राइम नहीं बढ़ेगा, कम होगा। बाकी आगे जो आतंकवादी लोग वो डरते रहेंगे और आगे क्राइम करने से उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं आएगी कि आगे क्राइम करें। मैसेज ये रहेगा कि अपने जवान हमेशा तैनात रहते हैं, अभी नहीं करेंगे वो लोग, वैसा डर उनके अंदर डर पैदा हो जाएगा, इसके लिए वो नहीं करेंगे। इंडिया के लिए फ़ायदा हो सकता है, ओवरऑल जो है ना पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो है ना ये कम से कम इन्फॉर्मेशन तो जाएगा जो इसके अगेंस्ट में जो है इंटरपोल नोटिस किया, कहीं ना कहीं ये एक आतंकवादी है, इसलिए इंडिया ने जो है इसके अगेंस्ट में इंटरपोल नोटिस किया है। तो इंडिया के लिए पॉजिटिव मतलब ये ऑल ओवर, जो जैसे यूएनओ में जो है कई बार जो है पाकिस्तान जाके बोलता है नहीं, या चाइना कई बार वीटो कर देता है, तो वहाँ पे जो इंडिया के लिए एक वोट मतलब जो है दूसरी कंट्री जो है सपोर्ट में रहेगा, जो नहीं इसके अगेंस्ट में जो है इंटरपोल ये हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर जो है फैक्ट है।